देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कोरोना पॉजिटिव मरीज के अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल में हुई तोड़फोड़। आपको बताते चले कि मिनी बाईपास रोड स्थित सनराइज अस्पताल में तोड़फोड़ के साथ हंगामा खड़ा हो गया, जब एक कोरोना की मरीज की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फतेहगंज पश्चिमी की बलिया में रहने वाली 35 वर्षीय प्रेम शंकर स्वर्गीय दाल चंद दिन पहले सांस की मारी चलते मिनी बाईपास स्थित सनराइज अस्पताल में भर्ती हुए थे। घटना से कुछ ही समय पहले प्रेम शंकर को दाल पिलाकर बाहर आया। अचानक डीएम के यहाँ से नंबर से कॉल आए, ने तुरंत मरीज का नाम पूछते अस्पताल के स्टाफ से बात करने को कहा, परंतु काफी बार कहने पर डॉक्टर स्टाफ ने चल रही कॉल पर बात नहीं की। इस पर कंट्रोल रूम ने अस्पताल बोर्ड पर लिखा नंबर मांगा मृतक प्रेम शंकर पर। भाई का आरोप है कि कंट्रोल रूम में जब अस्पताल के नंबर पर कॉल आई तो उन्होंने भर्ती नहीं किया। पेशेंट को मारना चाहते हो तो क्या कोरोना पॉजिटिव है? आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने जल्दी जल्दी में करते हुए मरीज को प्राइवेट एम्बुलेंस में डाल दिया। जबरदस्ती मृतक की पत्नी प्रेमलता भी एम्बुलेंस में बैठा कर राज श्री जाने के लिए कहा तो देखा तो प्रेम शंकर जिंदा ही नहीं थे। मृतक के भाई का कहना है कि कुछ देर पहले बोल रहे थे। मृतक के भाई ने जब फाइल मांगी तब अस्पताल ने एक व्यक्ति गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की देकर 25DD4445 नंबर की गाड़ी से भाग गया, जिस पर आपसी विवाद हुआ है। विवाद इतना बड़ा कि अस्पताल ने मारपीट के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। क्या शुभ नाम है भैया आपका? विक्रम वर्मा सर। विक्रम, ये क्या मैटर था ये हॉस्पिटल में आज जो इस बात पे तोड़फोड़ हो गई, क्या मामला था? सर, मेरे पास डीएम सर का फ़ोन आया था, मैं नंबर भी है मगर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, मैं बता देता सर उनका नंबर भी देता आपको। उसके बाद मेरे पास डीएम सर का फ़ोन आया था, बोले आपके बंदे को कोरोना पॉजिटिव है, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मत रखो मरने के लिए। उसके बाद मैंने उनपे बोला कुछ ही बंदे से बात करा रहा हूँ रिसेप्शन पे, इनके बंदों से रिसेप्शन में बात करा रहा हूँ, कोई मुँह से बात करने को राजी नहीं। फिर उन लोगों ने बोला मुझसे ये बात नहीं कर रहे हैं तो रिसेप्शन पे डॉक्टर साहब से एमडी से किसी से बात कराओ, कोई राजी नहीं बात करने को। फिर बोले कहीं पे इनका नंबर लिखा होगा, वो नंबर ला के दो मुझे। मैंने इनका नंबर ला के दिया तुरंत 5 मिनट पहले अपने। क्या नाम था मरीज का? मैं प्रेम शंकर। कितने टाइम से भर्ती थे यहाँ पर? 3 दिन से सर। तो क्या दिक्कत थी उनको? उनको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी सर। क्या कोरोना पॉजिटिव थे वो? रिपोर्ट तो कल आई थी सर पॉजिटिव की। फिर उसके बाद मैं मिलने गया सर, उनने दाल खाई, उसके बाद फोन तुरंत आते ही इनकी खलबली मच गई। खलबली मचने के बाद 2 मिनट मिल के आया, 2 मिनट के बाद मुझसे इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से एम्बुलेंस बुला ली। प्राइवेट सेक्टर से बोले जल्दी अपने भाई को लेके जाओ, ऐसे ही डीएम साहब का फ़ोन आया, बोले अपने भाई को लेके जाओ। डीएम सर बोले ये लोग तुम्हारे भाई को मार देंगे, इन लोगों से कहो कि हमने बेड खाली कराया है। फिर 2 मिनट के बाद देखो अपने भाई को, मेरे भाई को डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। 2 मिनट पहले सही था, डेड बॉडी कैसे आ गई सर, इसीलिए तो पूछ रहा था मैं। तो इसलिए इसी चक्कर में आपकी मैं रोकता रहा, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस से तोड़फोड़ अपनी एम्बुलेंस बुला के इन्होंने भगा दिया मेरी भाभी को बंद करके, और उन्हें भगा दिया, बोले जल्दी जाओ राजश्री जाओ, मेरी एम्बुलेंस फोन कर रही है वहाँ से कि आप हो कहाँ पे।